हेलो मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों इस क्वेश्चन को देखा होगा कहीं पे। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ओनली फॉर जीनियस। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है, जो मैथ का ब्रिलियंट हो, यानी कि जीनियस, जिसके अंदर बनाने का साहस हो, प्रतिभा हो। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के बना सकते हैं। और आप बहुत सारे लोग किस तरह इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग मैं बता देता हूँ कि किस तरह बनाते हैं। और जो बनाते हैं वो रॉन्ग तरीके से बनाते हैं, और आंसर जो उसको इस यहाँ तक मिलता है, लास्ट में उसका आंसर नहीं मिलता है। तो लास्ट में क्यों नहीं मिलता है, इतना दूर क्यों मिलता है, यहाँ से यहाँ मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, यहाँ पे इतना दूर कैसे मिल जाता है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन, आप लोग शायद रीजनिंग भी आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखा ही होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखा ही होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं लोग, जो गलत तरीका से बनाते हैं और इसका आंसर गलत आ जाता है। तो मैं इसका सही तरीका बता देता हूँ बनाने का। पहले जो गलत रॉन्ग तरीका से बनाते हैं इस क्वेश्चन को मैं पहले रॉन्ग तरीका से बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं रॉन्ग में, उसका पहले मैं डिसाइड कर, यानी कि पूरा बताता हूँ कि रॉन्ग में किस तरह बनाते हैं इस क्वेश्चन को लोग। यहाँ पे दो है, यहाँ पे सिक्स है, तो दो को गुना करेंगे थ्री से कितना आ जाता है, दो गुने तीन, यहाँ पे आ जाता है छह आ जाता है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, तीन से गुना कर देते हैं चार में, तीन गुने चार आ गया बारह, अभी बारह दिख रहा है। फिर क्या करते हैं, फोर को गुना कर देते हैं फाइव से, फोर गुने फाइव कितने आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी दिख रहा है। फिर क्या करते हैं, फाइव को गुना करते हैं सिक्स से, फाइव गुने सिक्स हो गया थर्टी, यानी कि तीस हो गया, यहाँ पे तीस तीस भी मिल रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बयालीस मिल रहा है, यहाँ पे बयालीस है, यहाँ पे जब छोक सिक्स को गुना करेंगे कितना से, सिक्स गुने सेवन तो आता है फोर्टी टू, तब आना चाहिए फोर्टी टू, यहाँ पे क्या है नाइन है, यहाँ पे क्या है नाइन है, तो यहाँ पे जब नाइन है तो यहाँ पे हो जा रहा है क्वेश्चन गलती है। जब इस तरह से गुना करके बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फिफ्टी फोर, यहाँ पे फिफ्टी फोर है नहीं, तो यहाँ पे फिफ्टी फोर है नहीं, तो गलत कैसे हो जा रहा है, इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन तो जाके हो जाता है गलत। इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक मिल जाता है लास्ट में। अब यहाँ पे जब आता है दूसरा अंक, तो यहाँ पे जो इसे आंसर यहाँ पे मिलता नहीं है ना, नहीं यहाँ पे आंसर मिलता है, यहाँ पे भी आंसर गलत हो जाता है जो, और यहाँ पे जो आना चाहिए आंसर उसका भी आंसर नहीं ला पाते, यहाँ पे जो आंसर होता है वो भी उसका गलत आ जाता है, यहाँ पे जो दिया रहता है वो भी गलत हो जाता है इसको बनाने के हिसाब से। इसका जो सही तरीका बनाने का, मैं इसको पूरा सही तरीका बनाने के दिखा दे रहा हूँ किस किस तरह सही सही में बनता है। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, किस तरह से सही में बनता है मैं इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है सिक्स है, तो हमको इसको गुना करते हैं सिक्स मिल जाता है, यहाँ पे क्या है बारह चार दिया बारह मिल जाता है, फिर क्या है बीस है, पांच चार पच्चीस बीस मिल जाता है। मगर हम लोग इस तरह से इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है दो को एक्सक्वायर कर देना है प्लस टू कर देना है, कितने हो गया दो को दो से एक्सपायर किए यानी गुना करना है तो हो गया चार प्लस दो क्या हो गया सिक्स हो गया, सिक्स मिल रहा है और क्या थ्री है, थ्री को हम लोग एक्सपायर कर देंगे, थ्री को एक्सपायर कर देंगे प्लस थ्री कर देंगे, तीन को एक्सपायर करेंगे क्या हो गया नाइन, नाइन और प्लस थ्री हो जाएगा बारह, बारह मिल रहा है। फोर को फिर से हम लोग फोर को भी एक्सपायर करेंगे, फोर को एक्सपायर करेंगे प्लस फोर कर देंगे, तो चार सौ का सोलह, सोलह चार बीस, बीस मिल रहा है और क्या फाइव है, अब ये फाइव हो गया, इसको एक्सपायर करेंगे प्लस फाइव कर देंगे, पाँच पच्चीस, पच्चीस सर पांच तीस हो गया, तीस मिल रहा है यहाँ पे, तीस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे हो गया सिक्स, अगर हम लोग यहाँ पे सिक्स को एक्सपायर कर देंगे प्लस सिक्स कर देंगे, छत्तीस, छत्तीस और छह बयालीस आ गया, यहाँ पे बचा नाइन, अब नाइन को हम लोग एक्सपायर करेंगे प्लस जोड़ देंगे नाइन, तो नौ नौ इक्यासी, इक्यासी प्लस नौ हो गया नब्बे एंड नाइनटी, तो इसका जो वहां पे वाट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइनटी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 90 यानी कि 90 हो जाएगा इसका आंसर। जो जो पहले जो इसको गुना कर देते हैं उसको लास्ट में जाते हैं फर्स्ट, तो इस तरह नहीं बनाना, हम लोग को एक्सपायर करके और उसको प्लस उतना ही जोड़ देना, जितना मतलब एक्सपायर करते हैं जितने अंक होता है उसको एक्सपायर कर देते हैं, यानी कि दो दो को एक्सपायर कर देंगे प्लस दो जोड़ देंगे,
थ्री थ्री का एक्सपायर करेंगे प्लस थ्री कर देंगे, तो जाके हम लोग का आंसर इसका पूरा मिल जाता है। ये हो गया सही तरीका बनाने का, हम लोग का आंसर मिल जा रहा है। कितना होगा इसका आंसर, हो जाएगा 90, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90 होगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।